12 मई यानी साल का 132वां दिन और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं दर्ज हैं। 2008 में आज ही के दिन बस दो पल के लिए धरती ने करवट बदली और चीन में 87,000 लोग मौत की गोद में समा गए। इतिहास के सबसे ताकतवर भूकंप में शुमार। इस भूकंप में हजारों लोग लापता हुए, लाखों बेघर हो गए और इससे हुई संपत्ति के भारी नुकसान की भरपाई में बरसों का वक्त लगा। भूकंप से करीब 4 लाख लोग घायल हुए। जर्मनी के क्रूरतम तानाशाहों में से एक हिटलर शासन में कैदियों को न सिर्फ यातनाएं दी गईं, बल्कि लाखों को मौत के घाट भी उतार दिया गया। यहूदियों और रूसियों के खात्मे के लिए यहां एक ऑलवीज कैंप बनाया गया था, जो नाजियों की हत्यारी रणनीति को दर्शाती है। पोलैंड में मौजूद इस प्रताड़ना शिविर में धर्म, नस्ल और शारीरिक कमजोरी का हवाला देकर लोगों को गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक नाजी दौर में यहूदियों और रूसियों को यातना देने का ये सबसे चर्चित तरीका था। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी 12 मई 1942 को 1500 यहूदियों को गैस चैम्बर भेजा गया था। इस गैस चैम्बर में सैकड़ों बंदियों को एक साथ बंद कर गैस छोड़ दी जाती थी। इस दौरान बूढ़े और बीमार बंदी चैम्बर में ही दम तोड़ देते थे। वही जो बदकिस्मत बच जाते उन्हें नाजी जबरन काम पर लगा देते थे। मई 1847 को विलियम क्लेटन ने अपने साथियों ऑर्सन प्रेट और एल्पलटन पीलो हार्मन की मदद से ऑडीमीटर का आविष्कार किया था। इसे रोडोमीटर भी कहा जाता है। क्लेटन चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर एंड सेट्स के सदस्य थे। उन्होंने मिसौरी से यूटा तक के मैदानों को पार करते समय अपने वैगन से जुड़े ऑटोमीटर का इस्तेमाल किया था। ये वैगन के पहिए से जुड़ा होता था और वैगन की यात्रा के दौरान पहिए के चक्कों को गिना करता था। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिससे किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का पता चलता है। ये आमतौर पर डैशबोर्ड पर स्टीयरिंग व्हील के नीचे होता है और एक छोटी आयताकार खिड़की के जरिए संख्याओं की एक श्रृंखला दिखाता है। नए वाहनों में ये डिजिटल हो सकता है।